धन साहब साहब श्री गुरु रामदास जी पातशाह जी के पवित्र सारे थान श्री हरिमंदर साहब जी संबंधित केंद्रीय सिख अजायब घर विखे धन साहब सतगुरु श्री गुरु नानक देव पातशाह जी के अनन सिख नवाब राय बलार जी मैं जिहड़ी अपनी तस्वीर आ अज इस अजायब घर में सुशोभित की गई है उन्हों का परिवार उन्नी भी बांस अज उन्हें आना सगा पर जीजा नाम मिल करके वो आ नहीं सके। राय बलार जी की एडी वड्डी भेटा गुरु नानक देव पातशाह के चरणों च रखी कि अज लहिंदा पंजाब भी लगभग 750 मुरबा जिहड़ा वो जायदाद की जिहड़ी देखभाल कर रहा वैक्यू बोर्ड के तौर दे उत्ते। सो राय बलार जी ने धन गुरु नानक देव पातशाह जी नूं रब करके पूजिया खुदा करके पूजिया यही कारण आ कि जदों भी सिख इतिहास धन गुरु नानक देव पातशाह जी का आपां सरवण करदे आ ते राय बलार जी का जिक्र जिहड़ा वह आप महाराज उत्थों निकल जांदा उस परिवार नूं भावें पाकिस्तान च बैठे आ बहुत बहुत बधाई दिना लेट हो गए पर गुरु साहब कृपा करन ये राय बलार जी सारिया सिखां दे मनां दे विच आ इन्हां दी वड्डी गुरु नूं समर्पित हो के जेले मनुख गुरु नूं समर्पित होंदा उत्थे धन दौलत कुछ भी नहीं रह जांदी। सो बड़ियां बड़ियां बलखां नूं नहीं पैणा पाईआं। दूसरे भाई बलविंदर सिंह जटाणा जिन्हां दी अज तस्वीर सुशोभित की गई आ पिछले दिन ही मता होया सीगा उन्हां दा भी वड्डा योगदान आ अज भी आपां देख रहे कल दी खबर आ रही आ कि पानियां दे मसले ते पंजाब ते हरियाणा वो आपो विच ही जूझ रहे। पानी पवित्र सतगुरु जी ने गुरबाणी च भी कहा कि पानी पहला जिहड़ा ये शरीर का जी आ पहला पानी जियो है इस करके गुरु साहब जी ने कृपा दे बख्शिश की उस वेले जदों नाजक दौर सी उस नाजक दौर दे विच उस परिवार ने भाई बलविंदर सिंह जी जटाणा ने अपना ये सिख इतिहास के उस वेले दे समय अनुकूल जिहड़े वो उन्होंने कदम पुटे उन्होंने कदमों नूं भी सलाम आ अज तक वो जिहड़ी लहर आते कोई टक लाउण की जरूरत नहीं कर सकता। तीसरे साढ़े भाई हरिंदर सिंह रणिया मैं देखदा मेरे नाल मैंबर भी रहे पर शुगर होने के बावजूद शरीर की परवाह नहीं करनी घरों अमृत वेले कोई आ गया कोई अद्धी रात वेले आ गया पंजाबी सूबा मोर्चा फिर धर्मजोत मोर्चा वो बड़ा बड़ा अपना उन्होंने योगदान पाया। सो उन्होंने धर्म सुपत्नी साढ़े हुण मौजूदा मैंबर आ उन्होंने अज तस्वीर शुरुआत की गई। चौथी भाई जोगिंदर सिंह जी पांजरथ वह भी मेरे नाल मैंबर रहे 96 तो वह भी एक गुरु पंथ नूं समर्पित रूह सी जिस रूह ने अज आप देखते हैं पुराने अकालियां दीआं गाथा क्यों चंगीआं लगदीआं क्योंकि आपा त्याग के कौम नूं समर्पित होंदे सी ये कौम नूं समर्पित होण वाले लोग ये कौम नूं समर्पित होण वाले शरीर इन्हां दीआं गाथा इदां ही गाईआं जाणीआं फौजदल ते कायर जिहड़े आ वो समय के अनुकूल उन्हां समस्यावां दे विच जूझदे नहीं वो अज भी है नहीं ते कल भी है नहीं ते जिहड़े शहीद सिंह ते कौम नूं समर्पित हो के अपनियां सेवावां निभा जांदे आ उन्हां दीआं सेवावां नूं सिख पंथ हमेशा चेते रखदा अज उन्हां वल्लों निभाईआं सेवावां नूं नमस्कार करदे होए ये चारे तस्वीरां अज केंद्रीय सिख अजायब घर दे विच सुशोभित कीतीआं गईआं। और जिन्ने भी परिवार राय बलार जी का परिवार नहीं आ सकिया बाकी जड़े तीन ही वो परिवार सारे इतने अज हाज़र हो सारे बहुत बहुत बधाई दिना कामना करदा गुरु साहब कृपा करन बख्शिश करन इतने तस्वीर सुशोभित होने लई गुरु साहब की बख्शिश होवे तो होंदी आ बहुत बहुत धन्यवाद वाहिगुरू। एस वाई एल का जिहड़ा मैं जिन्ना क अपने मीडिया चो देख रहा कि उत्थे गल चल रही भाई जी आप सेंटर ना बैठ के गल करते हैं सेंटर ने गल नहीं करनी सेंटर का क्योंकि सारे एको जे होंगे उन्होंने सारिया स्टेटा यदा पंजाब के मुख्यमंत्री साहब न तकड़े होकर स्टैंड लेना पेगा उस तकड़े स्टैंड के
ਫੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 180 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਹੋਣੇ 91 ਦਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਗਏ 91 ਦਿਨ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪਰੋਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ 90 ਦਿਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ 91 ਦਿਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠੇ 18 ਨੂੰ ਲਾਣਾ।